प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी के लिए सिंह राशि का जो वार्षिक राशिफल है सन 2021 में, उनका भाग्य, उनकी नौकरी, उनका व्यापार, उनका प्रेम संबंध, उनकी शादी से संबंधित, जीवन साथी से संबंध, उनकी संतान, उनका स्वास्थ्य, उनकी मानसिक स्थिति, इस सब की जानकारी आप सभी लोगों को देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो इस सब बातों को डिटेल में समझने के लिए, हर महीने के हिसाब से समझने के लिए आप अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहें। ज्ञान गंगा जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ सिंह राशि वाले व्यक्तियों का 2021 का वार्षिक राशि फल लेकर, कि जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक उनका भाग्य, स्वास्थ्य इत्यादि कैसा रहेगा। किंतु उस सब की जानकारी देने से पहले मैं, आप लोगों की एक समस्या है जो आप मुझसे बार बार कहते हैं, तो मैं उसका जवाब देना यहाँ पर बहुत जरूरी समझता हूँ। आप सभी लोग कहते हैं हम तो कोई बुरा कर्म भी नहीं करते, हम तो भगवान को नित्य प्रति प्रणाम भी करते हैं, हम तो उनकी पूजा भी करते हैं, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, फिर ये बार बार कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं, ये दुर्भाग्य हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है। तो गुरु जी, आप इस बात पर हमें रोशनी डालिए। तो प्रिय भक्तगणों, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल और इस जन्म में जो भी आप अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं उन सभी का फल आपको इस जन्म में, और अगर इस जन्म में नहीं प्राप्त हो पाता है तो पुनः अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाता है। आपको लगता है अपनी दृष्टि से कि आपने कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो पिछले जन्मों के कुछ बुरे कर्म होंगे जिनका आपको फल प्राप्त हो रहा होगा, या जाने अनजाने में इस जन्म में भी आपसे कुछ बुरे कर्म हो रहे होंगे, कुछ पाप हो रहे होंगे, कुछ ज्ञानतावश कुछ अज्ञानतावश, जिसका दंड आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। प्रभु हजारों आंखों से, हजारों जासूसों के साथ हम में से प्रत्येक व्यक्ति की प्रॉपर तरीके से जासूसी करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें हर छोटे से छोटे अच्छे काम का या बुरे काम का परिणाम भुगतना पड़ता है। बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल प्रभु देंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो प्रभु अच्छा ही फल देंगे। प्रभु के यहाँ ना तो देर है ना अधेर है। जब हमारे पाप या पुण्यों का घड़ा भरता है तो हमें उसका परिणाम भुगतना अवश्य प्रारंभ हो जाता है। इन्हीं परिणामों की बदौलत एक बच्चा किसी बहुत अमीर परिवार में जन्म लेता है, दास दासियों के हाथ में खेलता रहता है, और एक बच्चा बहुत ही दरिद्र परिवार में जन्म लेता है और एक तरीके से कटोरा हाथ में लेकर जन्म लेता है। अब उन बच्चों ने तो कोई कर्म किया ही नहीं था, फिर उनके लिए ये प्रभु के यहाँ विभेद कैसा, ये अंतर क्यों है। या फिर एक बच्चा अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, अपंग होकर, दिव्यांग होकर जन्म लेता है, क्यों भाई क्यों। ये सब सिर्फ और सिर्फ उनके पूर्व जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का फल है। आप ये सोचते होंगे कोई नहीं देख रहा, चलो कर दे, क्या फर्क पड़ता है, अपना घर परिवार पालना है तो हम इसको भी लूट लें, उसको भी मार लें, उसमें दवाओं में मिलावट कर लें, खाने पीने की चीजों में मिलावट कर लें, रिश्वतखोरी कर लें। ना रे ना, प्रभु के यहाँ प्रभु की नजर से कोई नहीं बच सकता, और इसका तो दंड भुगतना ही पड़ेगा। तो 100 बार सोचिए कोई भी अच्छा या बुरा कर्म करने से पूर्व, और जाने अनजाने में कर हुए बुरे कर्मों की क्षमा प्रार्थना करिए, पापों का प्रायश्चित करिए। आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है पापों के प्रायश्चित के लिए, या फिर हमारी मोबाइल ऐप है वहाँ पर, उसको गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजी बाई गुरुजी के नाम से ये मोबाइल ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने पापों के बारे में हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या करने से आपके पापों की तीव्रता धीमे धीमे कम होगी और प्रभु का आशीर्वाद आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। या अन्य किसी परेशानी के लिए भी आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से, या ये सामने मोबाइल फोन के नंबर आ रहे हैं उन पर वीडियो कॉल के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कराकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं प्रारंभ करता हूँ सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, जो मेरा अपना अनुभव है। सिंह राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा
इगोइस्टिक होते हैं, थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक होते हैं, मेरी अपनी नजरिया है। अगर इनको अकेले में अंधेरे अकेले कमरे में भी बैठाया जाए कुर्सी पर तो ये हमेशा तन के बैठेंगे। ज्यादातर लोग इसमें से प्रशासनिक अधिकारी, ऑफिसर्स, टीचर्स और नेता बनते रहे हैं सिंह राशि वाले, या सरकारी नौकरी को प्राप्त करते रहे। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां अगर देखा जाए तो इनको ही प्राप्त। स्वभाव में अखड़पन होता है, अपने सामने थोड़ा सा दूसरों को लो फील समझते हैं, अपनी कुर्सी के अहंकार में डूबे रहते हैं या अपने पद के अहंकार में डूबे रहते हैं। भूल जाते हैं कि समय हर किसी के साथ एक जैसा नहीं रहता। विनम्रता अपनाइए, अपने जीवन में सुख का अनुभव कीजिए। आपके नेचर की वजह से आपके और आपके जीवन साथी के मध्य अक्सर तनावपूर्ण संबंध रहते हैं, तो अगर आपका नेचर विनम्रता पूर्ण होगा सभी लोगों के साथ तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीजों में लाभ प्राप्त होगा। आपकी वजह से आपके जो संतान है उसको भी आप एक तरीके से मतलब सबॉर्डिनेट की तरह ट्रीट करते हैं, हुकुम चलाते हैं। शायद जमाना बदल गया है, ऐसा करना आप ही को हानि दे सकता है। तो जो भी करें सोच समझ कर करें, अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए अपने ईगो को तो जल्दी से जल्दी त्यागने का प्रयत्न करें। जितना खुशहाल रहेंगे, जितना हंसेंगे मुस्कराएंगे, लोगों को हंस के बात करेंगे, लोगों को सहयोग करेंगे, उतनी ही जीवन में प्रसन्नता आएगी जो आपके चेहरे पर भी झलकेगी। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जितना आप खुशियों को बांटेंगे, जितना दूसरे की खुशियों में शरीक होंगे, उतना ही आपके मन में अंतर मन में प्रसन्नता होगी। अपने बच्चों को अपने सबॉर्डिनेट की तरह डील मत कीजिए। आपके हृदय के टुकड़े हैं वो, उनको हृदय से लगाना सीखिए। आपका जीवन साथी आपका जन्म जन्म का साथी है, उसको जीवन साथी समझिए, उसको भी आप सबॉर्डिनेट मत समझिए, वरना आप ही को विपरीत परिस्थितियों का सामना कर अपने जीवन में खिन्नता उत्पन्न होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपका जनवरी मास का। सबसे पहले मानसिक और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जनवरी का मास आपकी संतान से संबंधित प्रसन्नता देने वाला होगा। फरवरी महीने में थोड़ी सी आपके स्वास्थ्य के प्रति परेशानी स्पष्ट रूप से झलकेगी, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है, जो मार्च में भी जारी रहेगी। और ये जो अप्रैल के महीने के मिड में आपको थोड़ा सा जीवन साथी के साथ प्रसन्नता का अनुभव हो सकता है। मई के महीने में अगर देखा जाए तो भाग्य आपका साथ देगा, जो आपको मन में और अधिक प्रसन्नता देगा। जून के महीने में थोड़ा सा आपके जो कार्यस्थल है वहां पर आपको प्रॉब्लम आने की वजह से आपके मन में खिन्नता रहेगी, ऐसा लगेगा आपके जीवन में किसी ने काली खमल दी, तो थोड़ा सावधान है क्योंकि वहां पर राहु के द्वारा आपके जीवन में ग्रहण लगाया जाएगा जून महीने में। और बात करें जुलाई में तो अचानक से कोई इंक्रीजमेंट वगैरह की खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, आपके मन माफिक आपकी इनकम में वृद्धि भी हो सकती है। अगस्त के महीने की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और सितंबर में बात करें तो आपके आत्मविश्वास में दुगनी वृद्धि होगी, किंतु थोड़ा क्रोध भी बढ़ जाएगा। क्रोध को कंट्रोल में करें अन्यथा आप ही को परेशानी उठनी है। और अगर बात करें तो अक्टूबर के महीने में आपको लाभ की प्राप्ति होती नजर आ रही है आपके परिवारजनों से, कुटुंबजनों से। नवंबर के महीने में आपके बाहुबल में वृद्धि होगी, यानी आपको नौकरी इत्यादि में या आपके भाई बहनों की वजह से आपको मदद मिलती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और दिसंबर में आपकी माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ आपको बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, किंतु यहाँ पर भी केतु द्वारा ग्रहण लगने की वजह से आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, आपको मानसिक रूप से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आपके बारे में बात करूं तो देखिए जनवरी का समय आपके लिए अच्छा समय नहीं है। फरवरी में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, मार्च में भी थोड़ी सी समस्या बढ़ेगी और फरवरी में थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी, मार्च में भी बढ़ी रहेगी। तो यहाँ पर जो समस्या आ रही है आपके स्वास्थ्य से संबंधित आ रही है, आपके दुश्मनों से संबंधित आ रही है, आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है। और ये समस्याएं कई अलग अलग तरह की बीमारियां आपको घेरी रहेंगी, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अप्रैल मई में भी यही हालात रहेंगे, जून में मई जून में थोड़ा सा कम रहेंगे, किंतु सावधान है यहाँ जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानी होने की लगातार संभावना बनती हुई नजर आ रही है इन दिनों। तो थोड़ा सावधानी बरतते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। अगर हम अगस्त सितंबर में बात करें तो यहाँ पर भी आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ रहेगी, पेट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य पर बेशक आप
फोकस करें ताकि आपको परेशानी ना हो रहे और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रखते रहें। तो ओवरऑल स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो ये समय आपके लिए, ये साल ही आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। बीच में कुछ समय को छोड़ दें तो बाकी समय आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। बीमारियों को प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें, अपने शत्रुओं पर नियंत्रण करने का प्रयास करें और शत्रुओं से सावधान रहें। आपके शत्रु आपको बहुत भारी हानि पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप अपने शत्रुओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो यहाँ आप हमारी मदद लेकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करिए जिनकी वजह से हम आपके उन शत्रुओं को बांधने में समर्थ हो सकेंगे जो आपको नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ मैं बात करता हूँ आपकी नौकरी के हालातों के बारे में। तो देखिए पूरे साल की अगर मैं बात करूँ तो नौकरी के हालात में वहाँ राहु का बैठ जाना, राहु आपका कट्टर दुश्मन बनता है तो राहु का बैठ जाना आपको शुभता प्रदान नहीं कर रहा। कार्य की बात करूँ, नौकरी की बात करूँ, आपके व्यापार की बात करूँ तो वहाँ पर आपको शुभता मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। तो आप जितना अपने आप को मजबूत करेंगे, अपने कार्यस्थल को मजबूत करेंगे, देखिए कैसे मजबूत करें, बात वही आ जाती है ना, हम कैसे अपने आप को मजबूत करें। देखिए अपने आप को मजबूत करना है, अपने राशि रतन की अंगूठी, अपनी लगन के रंगन की रतन की अंगूठी पहनी है, अपने भाग्य की रतन की अंगूठी पहनी है। ये तीन चीजें तो आपको मजबूत कर देती हैं। फिर अंगूठियों का मतलब इनके रतन की अंगूठियों की बात कर रहा हूँ। फिर अपनी आमदनी के रतन की अंगूठी पहन ली है और जैसे कि कार्यस्थल पर लगातार प्रॉब्लम हो रही तो कार्यस्थल के लिए कुछ उपाय तो करना ही करना पड़ेगा आपको। तो जब आप स्वयं भरपूर तरीके से मजबूत हैं और आपकी आमदनी मजबूत है तो आप बड़ी से बड़ी परेशानियों को तो चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको किस चीज की घबराहट होगी, फिर भी कोई परेशानी आ जा सकती है जैसे जीवन साथी से संबंधित है, संतान से संबंधित है, तो उसके लिए अलग से उनकी रत्नों की अंगूठियां उस समय पर धारण करिए जिस समय आपको ज्यादा प्रॉब्लम महसूस हो रही है। आपको लगातार ऐसा लग रहा है मेरे को सालों से ही प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्यों नहीं इसे ठीक कर रहा हूँ, तो उन चीजों को ठीक करने का प्रयास करिए। इनके लिए इनकी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत अंगूठियां जो है वो असली रतन की अंगूठी 3 वर्ष तक कार्य करती है जबकि उपरतन की अंगूठी केवल 1 वर्ष तक ही कार्य करती है। और ये भी जब ही कार्य करेगी जब किसी योग्य ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा आप विशेष रूप से इनको मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित जागृत करवाएं। ऐसा नहीं पंडित जी ने भगवान जी के आगे घुमा के दे दी, आप गए पंडित जी को मंदिर में, पंडित जी को दे दी, पंडित जी इनको सिद्ध कर देना, पंडित जी भगवान के सामने गए यूं करके हिलाया, गंगा जल छिड़का और यूं करके दे दिया आपको। ऐसी कोई अंगूठी मंत्र सिद्ध नहीं होती। मंत्र सिद्ध करने वाले व्यक्ति ने इन मंत्रों को सिद्ध किया हुआ हो, यानी 5.25 लाख मंत्रों का जाप कर रखा हो, नित्य प्रति भी इन मंत्रों का जाप करता हो, वही व्यक्ति इन अंगूठियों को सिद्ध करके आपको लाभ दिलाने में समर्थ हो सकता है, वरना ये तो व्यर्थ ही चला जाएगा इस पर किया गया खर्चा। मैंने तो यहाँ बड़े बड़े मिनिस्टरों को भी गलत अंगूठियां पहनाने वाले लोगों को देखा है। मैं किसके बारे में बात करूं, मैं तो नाम भी लेने में असमर्थ हूं यहाँ पर। और इन रत्नों की अंगूठियों को अगर फायदे की बात करें तो मैंने जो हमारे देश के टॉप 10 लीडर्स कहेंगे तो उसमें से बहुत सारे लीडर्स इन अंगूठियों को पहनते हैं। टॉप 10 फिल्म स्टार्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स इत्यादि की बात करेंगे, एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करेंगे तो उनको भी मैंने इन अंगूठियों को पहने देखा है। टॉप 10 इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो उनमें से बहुत सारे लोग भी इन अंगूठियों को धारण कर समय समय पर अपने भाग्य को मजबूत कर जीवन में आगे बढ़ते रहे, उन्नति को प्राप्त करते रहे। और हर 3 वर्ष बाद या हर 1 वर्ष बाद इनको दोबारा से बदल के नए सिरे से पहनना है, तभी तो आप उन्नति की अगली सीढ़ियों पर चढ़ पाएंगे, वरना जहां पर है वहीं रुक जाएंगे। इन अंगूठियों ने जहां लाकर उन्नति के पथ पर छोड़ा है वहीं आप रुक जाएंगे, फिर आपकी प्रोग्रेस धीमे धीमे कम होती चली जाएगी। तो निरंतर आगे बढ़ने के लिए निरंतर आपको इनमें बल प्रदान करना पड़ेगा अपने ग्रहों में। अब देखिए उन अंगूठियों को छोड़ सकते हैं, जैसे आपने शादी के लिए कुछ उपाय किए हैं, उनमें कोई अंगूठी वगैरह भी पहनी है तो जब शादी हो जाती है तो फिर उन अंगूठियों को आप हटा सकते। लेकिन जो अपनी लगन की, अपनी राशि की, अपने भाग्य की और अपनी आमदनी की अंगूठी है तो जीवन भर पहनिए। देखिए आपको परेशानी तो आपको होगी ही नहीं इन सब चीजों से, और होगी भी तो इतनी छोटी होगी कि आप करके उड़ा देंगे। अगर आपको ऐसी अंगूठियां नहीं मिल पा रही है तो घबराने की बात नहीं है, आप मेरे यहाँ से हमारी शनि पीठ मंदिर से मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत की हुई अंगूठियां जो आपके नाम से आपके साइज के अनुसार तैयार की जाती है और विशेष रूप से आपके नाम से मेरे द्वारा पूजित है, उन अंगूठियों को आप घर बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी मंगवा सकते हैं। और बोलिए इससे ज्यादा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, वो भी इन वीडियो नंबर जो मोबाइल नंबर से इनके माध्यम से। मैं अब चर्चा करने वाला था जैसा कि मैंने आपको उसके बारे में बताया आपके कार्यस्थल के बारे में, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं तो आपको अड़चन तो आएंगी ही आएंगी। और ये अड़चनों में जो थोड़ा सा लाभ मिल सकता है आप कह सकते हैं मार्च और अप्रैल में राहु मंगल देवता का वहां चला जाना थोड़ा आपको लाभ देगा, बुध का वहां होना
आप कार्यस्थल पर थोड़ा सा आपको वहां पर भी लाभ मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो आपको कमजोर ही बनाया जा रहा है। तो आप अपने कार्यस्थल के बारे में, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कंसल्टेंट हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका उपाय करना बहुत जरूरी है, वरना ये परेशानी साल नहीं साल से ज़्यादा रहने वाली है एक्चुअली। तो जो हालात हैं वो साल से ऊपर चलेगी, तो इसका उपाय कर लेंगे तो ये परेशानी धीमे धीमे कम होने लगेंगी, आप धीमे धीमे आगे बढ़ने लगेंगे, प्रोग्रेस करने लगेंगे। यहाँ मैं बात करता हूँ आपके भाग्य की। अब जब हम भाग्य के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं तो देखिए, जनवरी के मास में आपका भाग्य पूरा पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है, फरवरी में भी सपोर्ट करता है, मार्च के महीने में आपका भाग्य का मालिक कार्यस्थल पर बैठकर आपके कार्य में मजबूती लाने का प्रयास करेगा, अप्रैल में भी आपके कार्य में मजबूती आएगी, और अगर हम बात करते हैं मई के महीने में तो मई के महीने में आपकी आमदनी में वृद्धि होती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है, जून के महीने में भी आपकी आमदनी में निरंतर वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, यानी आपके भाग्य की वजह से बात करूँ। और जुलाई की बात करें तो जुलाई में थोड़ा सा भाग्य खराब होता हुआ नजर आ रहा है, तो सावधान है, इसीलिए मैंने कहा ना खराब क्यों हो भाई, भाग्य की अंगूठी पहनो ना, खराब होने ही नहीं देगा वो। अगस्त में भी थोड़ा खराबी आएगी, लेकिन सितंबर में जाकर ये ठीक होगा और आपको थोड़ा गुस्से में वृद्धि कराएगा। अक्टूबर के महीने पर आते हैं तो आपको लाभ में वृद्धि कराएगा, नवंबर के महीने में आते हैं तो आपके बाहुबल में वृद्धि होगी, आपके भाई बहनों से आपको मदद मिलेगी, और जो दिसंबर तक जारी रहेगी। और जब हम आपकी आमदनी के लिए अगर हम चर्चा करें तो आपकी आमदनी में जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फल मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपकी आमदनी में जनवरी मास में एक यात्रा भी करनी पड़ सकती है, अपने लिए शायद फरवरी मास में भी एक यात्रा करने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और आमदनी की अगर हम वृद्धि की बात करें तो भाग्य का मालिक जब मई के महीने में आमदनी में बैठेगा तो लाभ होगा, और यहाँ पर बुध देवता का और ये मंगल देवता का जून के महीने में आकर भी आमदनी में बैठ जाना आपको लाभ प्रदान कर रहा है। सूर्य देवता का स्वयं अपने ही घर में आ जाओ तो अपने आमदनी के घर में बैठना भी आपको लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि सूर्यदेव आमदनी के घर में जुलाई महीने में आ रहे हैं, जो कि अगस्त के मध्य तक रहेंगे, उसके पश्चात देखा जाए तो वो सितंबर में आपके सिर पर ही आके बैठ जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ज़्यादा खुशी आएंगी, प्रोग्रेस ज़्यादा होगी, उन्नति ज़्यादा होगी। अक्टूबर में भी लाभ के घर में बैठ के परिवार कुटुंब से लाभ कराएंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जो नवंबर दिसंबर तक भी आगे जारी रह सकती है। तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों की, लेकिन उससे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करूँ जिनकी अभी तक शादी ही नहीं हुई। तो जिन व्यक्तियों की अभी तक शादी ही नहीं हुई है, तो ऐसे सभी युवक युवतियाँ जिनके रिश्ते वाले तो आते हैं मगर बार बार रिजेक्ट करके चले जाते हैं, बहुत परेशान है, बार बार अपमानित होते हैं, तो उसके पीछे जो कारण है वो तो देखो, शादी से संबंधित जो ग्रह होते हैं उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। शादी कराने वाला जो ग्रह है, जो दो ग्रह हैं बृहस्पति और शुक्र, उनका भी ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र का काम यहाँ रिश्ते लाने का है, बृहस्पति का काम यहाँ पर मंत्र पढ़वाने का, फेरे कराने का है। तो बृहस्पति और शुक्र का भी आपकी कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है, आपका खुद का बहुत मजबूत होना जरूरी है, तभी तो आपकी पत्नी आएगी। भाई आप हॉस्पिटल में हो तो आपकी पत्नी नहीं आएगी, आपका ग्रह कमजोर होगा तो आपकी पत्नी इतनी आसानी से नहीं आएगी। फिर आपका पति या पत्नी की बात कर रहा हूँ, या अगर आपके जीवन साथी अलग रही, अगर आपकी जन्म कुंडली में बहुत कमजोर है तो कैसे आपका जीवन साथी आपको प्राप्त होगा, आप तक पहुंचेगा कैसे कुरास, क्योंकि वो तो वैसे ही कमजोर है, उसे तो सपोर्ट की जरूरत है। या अगर आपके जीवन साथी के ग्रह पर दूसरे क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो फिर आपका जीवन साथी आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ अगर प्रॉपर उपाय करेंगे आप, किसी योग्य व्यक्ति को जन्म कुंडली दिखाकर, ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया बृहस्पति देवता की पूजा कर लो या पुखराज की अंगूठी पहन लो शादी हो जाएगी, ऐसे शादी नहीं होती है। अरे ऐसी शादी होनी तो अपने आप हो जाएगी, बृहस्पति देवता के व्रत करके या पुखराज की अंगूठी पहन के 7-8% लोगों को जरूर फायदा होता है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि उनके खाली बृहस्पति देवता खराब होते हैं, बाकी सारे ग्रह सही होते हैं, लेकिन 90-92% केसेस में ऐसा नहीं है। अलग अलग ग्रह तकलीफ दे रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पर तकलीफ दे रहे हैं, नहीं एक ग्रह तो अगर आसमान में ही ठीक हो जाए तो आपको मदद दे देगा, वैसे ही शादी हो जाएगी। और जिनकी वैसे ही शादी हो जाती है वो मेरे और आपके पास थोड़ी आते हैं कहने की मेरी शादी नहीं हो रही पाएगा, तो उनकी तो शादी हो रखी हो, तो
प्रॉपर उपाय करिए। किसी योग्य व्यक्ति को जन्म कुंडली दिखाकर आप चाहे तो हमारी मदद भी ले सकते हैं, लेकिन धैर्य भी रखना पड़ता है इसके लिए। ये नहीं कि मैंने आज उपाय किया तो कल शादी हो जाए। हालांकि बहुत सारे केसेस में अगर मामूली सी मदद की जरूरत होती है तो हमने सुबह उसको उपाय किया है और शाम को उसका रिश्ता हो गया, ऐसे भी हमारे पास केसेस हैं। तो आप हमारे इन नंबरों पर हमारी मदद लेकर अपने जीवन में शादी से संबंधित खुशियां ला सकते हैं। हम बात कर रहे थे जीवन साथी के बारे में, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर सिंह राशि वाले लोगों से बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ। आपका कठोर स्वभाव और जीवन साथी का लुढ़कना लोटा बनना, ये आपके लिए मेल बना हुआ है। आपका जीवन साथी लुढ़कना लोटा जो मर्जी उसको मूव करा लेता है, उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो छवि है वो आपको हर्ट होती है। अल्टीमेटली लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं। अब यहाँ जीवन साथी को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। जब आपका जीवन साथी मजबूत होगा, उसको उसकी जन्म कुंडली के अनुसार मजबूत करिए और आप भी जीवन साथी से संबंधित रत्न की अंगूठी अगर धारण करें तो वो भी आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी। मंत्र सिद्ध अंगूठी आप जीवन साथी से संबंधित करें तो आपकी लड़ाई झगड़ों में थोड़ी धीमे धीमे करके कमी आने लगेगी। ऐसे केस हमारे साथ आए हैं कि मतलब वो कहते हैं रोज ही मेरा पति मारता है, मेरा जीवन साथी जो है मुझे रोज ही मारता है, मैं क्या करूं, बहुत परेशान। हमने कुछ उपाय किए तो उधर से एक महीने बाद जवाब आता है, जी अब तो 15-20% रह गई है बात, बाकी तो सब ठीक चल रहा है। मैंने कहा ये तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, जब इतना कंट्रोल हो गया तो फिर आगे और ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसे ही विषम परिस्थितियों में ये चीजें काम करती हैं, बशर्ते आप हमारे सनातन धर्म में विश्वास करके पूरी श्रद्धा के साथ इनको धारण करें, आपको अवश्य फायदा होगा। मैंने तो ये देखा है कि अगर मैं जमीन से मट्टी उठाकर भी अगर आपके माथे पर तिलक कर देता हूँ मंत्रों के साथ, वो भी आपको फायदा करेंगे, जरूर फायदा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मंत्र मैंने सिद्ध किए हुए हैं, मैं उन मंत्रों का निरंतर जाप करता हूँ, क्यों नहीं फायदा करेंगे। मेरी अटूट आस्था है परमपिता परमात्मा में, ये मेरा मैं आज जो कुछ भी हूँ उसी परमपिता परमात्मा की वजह से ऐश कर रहा हूँ। सब कुछ तो वो मुझे दे रहे हैं, ठीक है उपाय मुझे भी करने पड़ेंगे। मेरे ग्रह जितने खराब ग्रह तो बहुत कम लोगों के होते हैं, मेरी जन्म कुंडली में 3-3 ग्रह तो नीच के ही हैं, वो भी मेन ग्रह में क्या बोलूं आपको, और 3-4 ग्रह हैं वो 1-1, 2-2 डिग्री के हैं, फिर कैसे फल मिल रहा है। जब मैंने इन ग्रहों को मजबूत किया, इनके रत्नों की अंगूठियां धारण करके, मैंने एक एक ग्रह के लिए मैंने ये देखी इस उंगली में 3 अंगूठियां मैंने धारण कर रखी है। अगर आप सही तरीके से देख पाए तो 3 अलग अलग अंगूठियां मैंने इनके लिए धारण की, एक ही हाथ एक ही उंगली के अंदर, और इधर अलग धारण किया, गले में मैंने अलग माला पहनी हुई है, अंदर एक और लॉकेट पहना हुआ है। तो ये सब चीज़ें मेरी रक्षा करती हैं, मुझे मजबूत करती हैं और मुझे जरूरत से ज़्यादा धन प्रोवाइड करा देती हैं। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं कि मुझे आप चवन्नी भी दे दिए, किसी से अपने हाथ में पैसा लेता भी नहीं, क्यों लूं? अरे देने वाला भगवान बैठे हैं, मैं उनसे मांगूंगा, किसी से क्यों मांगूं, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। परमपिता परमात्मा अपने आप मेरे धन के भंडारों में कुबेर जी महाराज को भेजकर वास कराते, फिर मुझे क्या चाहिए। तो ये सब कारक क्या है, मैंने अपने उन ग्रहों को मजबूत कर रखा जहां जहां वो मुझे प्रॉब्लम दे रहे थे, उन सब ग्रहों के लिए मैंने उपाय किया हुआ। और नॉर्मल जो कुंडली देखते हैं, जिन मैं आप जैसे ज्ञानी पुरुष हैं, आप लोगों को शिक्षा देते हैं, आप टीचर हैं, तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के डायरेक्टर डीन जैसे लोग, रजिस्ट्रार जैसे लोग, और मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकूँगा, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली के भी हैं बहुत सारे लोग, या प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, तो संपर्क करते हैं। तो जब आपके द्वारा ये ज्ञान की बात कि एक तो आपके गलती से भी कोई बुरा कर्म ना करें, और एक अगर आप सही समय पे उपाय करेंगे, आप परेशान तो उपाय करिए। जब हमारा सनातन धर्म इतना समर्थ है कि हम जैसे तुच्छ आदमी के पास 133 देशों के लोग, देशी विदेशी, खुद चल चल कर आते हैं, या वीडियो कॉल के माध्यम से हमसे हेल्प लेते हैं, या ईमेल के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से हेल्प लेते हैं, तो हमारा धर्म जो है इतना मजबूत है, तभी तो हम ऐसा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया सनातन धर्म को एक आशा की दृष्टि से देखती है। ये धर्म तो हमने 1100 साल की जो गुलामी करके आए हैं ना, ये मुस्लिम आक्रांताओं की और अंग्रेजों की, जिन्होंने हमारे सारे धर्म स्थलों को तहस नहस कर दिया, हमको जी भर के लूटा, मगर हमारा सनातन धर्म नहीं लूटा, आज सबसे ज्यादा मजबूत धर्म के रूप में जीवित है। क्या कोशिश नहीं की उन्होंने हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, हमारे जो पूर्वज थे ना बहुत अकलमंद थे, और अकलमंद हैं, वो क्या करते थे, एक जगह ज्ञान की बात सुनी उसको 100 जगह चर्चा करते थे, भाई आज हमने ये बात सुनी तुम ऐसा करो,
वो ज्ञानी पुरुष ने, महात्मा जी ने, उन संत ने, उन ऋषि महोदय ने, उन सज्जन पुरुष ने ये बात कही है, बहुत सटीक बात है। और ऐसे करके सनातन धर्म से संबंधित कथाएं एक मुख से सौ मुख तक घूमती रही और उसकी वजह से सनातन धर्म जिंदा है। अब आपकी भी नैतिक जिम्मेवारी है, आपकी भी सनातन धर्म में आहुति देने की बारी आ गई है कि मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के साथ, चाहे आप डेली राशिफल देखते हैं तो डेली शेयर करिए, हर एक मित्र, हर एक रिश्तेदार के साथ इसे शेयर करें, ताकि ये सनातन धर्म की ज्ञान की गंगा, जो आपके पूर्वजों की वजह से आज पूरी दुनिया में अपना सिर क्राउन की तरीके से बुलंद करके खड़ी हुई है, आगे भी, मतलब त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग में समय बह रही है, तो आगे भी इसी तरीके से आपकी वजह से बहती रहे। तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से तो मेरे 15,70,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं मेरे YouTube के चैनल के, और YouTube का ये वेरीफाइड चैनल है। ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे से कोई बोल रहा हो, किताबें पढ़ पढ़ कर बोल रहा हो। ठीक है, मुझे भी कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, मैं ये देख के दिखा के बात कर रहा हूँ। खाली ग्रह लिखे हुए जनवरी फरवरी महीने में आपका, मैं इससे मैं राशिफल आपको दे रहा हूँ। बाकी तो ज्ञान है सनातन धर्म का, हमारे ऋषि मुनियों ने जो घनघोर तपस्या की थी, और उस तपस्या के बल पर कुछ फॉर्मूले, कुछ रिसर्च करने के बाद कुछ फॉर्मूले इजाद किए थे, जो हमारे धर्म की किताबों में अंकित हैं, जिसे ये मुस्लिम आक्रांता या अंग्रेज नष्ट नहीं करेगा। हालांकि बहुत सारी जो मैनुस्क्रिप्ट्स थी वो अंग्रेज यहाँ से ले गए अपने यहाँ, या समय समय पर हमारे दुष्ट अधर्मियों ने कुछ चंद सिक्कों के लालच में उन्हें बेच दिया, जब वो अपाहिज बनकर, कोड़ी बनकर अगले जन्म में या इस जन्म में जन्म लेंगे, जन्म ले लिया होगा या ले रहे होंगे, और फिर से दंड भोगेंगे पूरे जीवन भर। तो उन्हें याद आएगी हमने कितना बड़ा अपराध किया था, कितना बड़ा पाप किया था, कि अपने ही धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया था। हम मूर्तियों को ले जाकर, भगवान की मूर्तियों को ले जाकर बेच रहे हैं। अरे मुझसे मांगो, मैं दूंगा भगवान शनिदेव की मूर्ति, कौन से देश में चाहिए मैं खरीद के दूंगा, बाजार से मैं अपने खर्चे पर आपको दूंगा, मगर मंदिर के लिए दूंगा। वहां पर हमारे मंदिर की तख्ती लगेगी, ये मूर्ति शनि पीठ मंदिर द्वारा हमारे लिए दान दी गई है, आप लगवाइए। पूरी दुनिया में मैं सबको इन्वाइट करता हूँ कि जो जो मुझसे शनि भगवान की मूर्ति मांगेगा, मैं उसे बिना किसी झिझक के उस मंदिर के लिए दान करूंगा। उसके लिए मैंने अपनी, हमारी जो वेबसाइट है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उस पर जाइए, वहां पर शनि मूर्ति के लिए, फ्री शनि मूर्ति आइडल के लिए मैंने पेज बनाया हुआ, उस पर जाकर आप भेजिए मुझे एक प्रॉपर, जहाँ मूर्ति स्थापित करेंगे वहाँ की फोटो भेजिए कि मैं इस पर्टिकुलर जगह पर मूर्ति स्थापित कर रहा हूँ, ये पत्थर के लिए आपके लिए जगह छोड़ दी गई है 1.5 फुट बाई 2 फुट की, आप 1.5 फुट बाई 2 फुट का पत्थर भी भेज दीजिए और मूर्ति भी भेज दीजिए। भेजने का खर्चा मतलब खाली आपको देना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आप उठाएंगे, मूर्ति का खर्चा मैं उठाऊंगा, मेरा मंदिर उठाएगा, मेरे जो साथी हैं जो मुझे सपोर्ट देते हैं बिना मांगा वो उठाएंगे, जो सनातन धर्म में अटूट आस्था रखते हैं वो उठाएंगे, मांगिए ना। तो चलिए बात को, एग्रेशन को ना बढ़ाते हुए फिर से मधुरता की तरफ चलते हैं। तो बात कर रहा था मैं आपके संतान के बारे में, तो यहां पर मैं चर्चा करना चाहता हूं आपकी जीवन साथी के बारे में। जैसा मैंने बताया कि आप व्यवहार को ठीक रखिएगा, उनको मजबूत करिएगा, अपने आप को मजबूत करेंगे तो जीवन साथी धीमे धीमे करके ठीक हो, उनका व्यवहार ठीक हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे अच्छा, जो आपको संतान प्राप्ति के लिए हमने बात करना चाह रहे हैं, वो कारण क्या है कि जब आप में से बहुत सारे लोग जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती, शादी के बहुत साल तक डॉक्टर इलाज करते रहते हैं, योग्य से योग्य डॉक्टरों से आप इलाज कराते हैं, दवा खा खा कर थक जाते हैं, किसी को तो बार बार मिसकैरेज होता है और कोई कैरिजी यानी गर्भधारण ही नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों से एक बात विनम्रतापूर्वक समझाना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली है तो उसमें संतान प्राप्ति के स्पष्ट योग बने हुए होते हैं, और अगर आपकी जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है, बेशक वो कमजोर योग है, तो उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा मजबूत किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर भी जो भगवान के नाम पर ही आपको दवाइयां देते हैं, आपको शायद ज्ञात है या नहीं, वहां पर जो सबसे दवाई की किसी भी पर्ची पर, डॉक्टर का कोई भी पर्चा उठा लीजिए और सबसे ऊपर एक वर्ड लिखा होता है RX। RX ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है मैं भगवान के नाम पर ये इस व्यक्ति को ये दवाई दे रहा हूँ, तब डॉक्टर दवाइयों का नाम लिखते हैं।
सबसे पहले वर्ड आरएक्स लिखते हैं। तो आप प्रॉपर उपाय करिए अपने कमजोर योग को मजबूत करने के लिए, ताकि आप सीखता सीख संतान प्राप्त कर सकें। अगर मान लीजिए आपके जन्म कुंडली नहीं है तो भी परेशान मत होइए, आपका चेहरा देखकर आपकी प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपकी हेल्प की जा सकती है, वो भी घर बैठे ही वीडियो कॉल के माध्यम से। भाई आज तकनीक का जमाना है, आप भी इस तकनीक का फायदा उठाइए। हम निश्चित रूप से आपकी मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे, भरसक मदद करेंगे क्या कि आपको शीघ्रता शीघ्र संतान की प्राप्ति हो सके। अब बात करते हैं संतान के बारे में, जो ऑलरेडी संतान आपको प्राप्त होने का जो समय, इस समय किस किस व्यक्ति को बन सकता है। तो देखिए यहाँ जनवरी महीने में आपको संतान प्राप्ति का योग होता हुआ नजर आ रहा है। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो संतान प्राप्ति का योग जो आपको बनेगा मई के महीने में बन सकता है, और आगे अगर हम बात करते हैं तो आपको ये योग नवंबर के महीने में भी प्राप्त होने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ, आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, मान लीजिए संतान हो गई, लेकिन संतान की पढ़ाई लिखाई, या अगर आप खुद ही अभी छोटे हैं और शादीशुदी है और संतान की कोई बात नहीं, तो मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करना चाहता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ सबसे पहले जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, या मेहनत करने के बाद भी कम नंबर आते हैं, दोनों ही केस में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा कर दूँ कि सिंह राशि वाले व्यक्ति को जनवरी का महीना ठीक जाएगा पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से, लेकिन फरवरी मार्च का महीना अप्रैल का महीना ठीक नहीं है। मई के महीने में अगर देखें तो कोई यात्रा की संभावना बनेगी एजुकेशन पर्पज से, और आगे के हालात भी मुझे कहीं विशेष रूप से ठीक होते नजर नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पर कंसंट्रेट करें। और स्पेशली जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सारे युवक युवती की बात कर रहा हूँ जो सिंह राशि के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा उनके लिए जो पूरे साल में सबसे अच्छा समय है वो जनवरी महीने का है कोई अच्छा फेवरेबल रिजल्ट के लिए, तो उस प्रयास को करके देख लीजिए। और यहाँ भी एक बात बहुत गौरतलब है आप सभी लोगों के लिए, पहले तो मैं उन लोगों की बात कर लूँ जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता या मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, तो उनके लिए मैंने एक छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय बनाया है जो साल में एक बार करना है। माता पिता मेरी प्यार को ध्यान से सुने, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके बच्चे के हर साल पहले से ज्यादा नंबर आएंगे और उसका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। मैंने हजारों केस किए हैं, हजारों लोगों को फायदा पहुंचाया, मैं लाखों की बात नहीं करता, तो हजारों लोगों को फायदा पहुंचाया। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं आपको कि आपके बच्चे को मेरे द्वारा किए गए उपाय से फायदा होगा। मगर ऐसा मत करिएगा आप एग्जाम के समय में आ जाए कि अब तो फायदा हो जाएगी, आज कर दीजिए कल मेरा एग्जाम है, या दो महीने पहले आ जाए एग्जाम। अरे कम से कम 7-8 महीने पहले तो आइए एग्जाम से, तभी तो उसका फायदा शुरू होगा। आप आ जाए 2 महीने पहले और मुझसे कहें कि रिजल्ट वो लिख के दे दीजिए जी, नहीं मैं ऐसे केस नहीं लिखता। आप कम से कम उससे एग्जाम जो फाइनल ईयर के एग्जाम होते हैं, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, उससे 7-8 महीने पहले आइए, चाहे आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे पढ़ाई लिखाई की तैयारी कर रहे हैं, और साल पहले आएंगे तो और अच्छा है, आप ही के लिए फेवरेबल है, आप ही को ज़्यादा फायदा होगा, मेरे कहने से कुछ नहीं होना। और जब मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिंह राशि वाले सभी युवक युवतियों से कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी आप ही को मिलती है, ठीक है, किंतु ये सबसे ज्यादा चांस बना हुआ जनवरी महीने का बना हुआ, तो इस चांस को हाथ से मत जाने दीजिएगा। इसके बाद ये चांस लगातार खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, किंतु देखिए आप जैसे लोग जब लगातार सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए मेहनत करते तो मुझे बड़ा खिन्नता होती है। उसके पीछे कारण है कि आप कई केसेस में मैं जब देख रहा हूँ कि लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद 6-7 साल तक जी जान लगा के कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी उनको मिल जाए। भाई मुझे आप एक बात बता दो, अगर ये 6-7 साल अगर आपने प्राइवेट नौकरी पा ली होती या अपना बिजनेस प्रारंभ कर लिया होता तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते आप खुद। सरकारी नौकरी कई सारे लोगों को अपने पास नौकर रख सकते थे, 6-7 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, क्योंकि मेरे जब इंजीनियर्स को देखता हूँ 6-7 साल, मेरे पास अभी पीछे किसी ने संपर्क किया भोपाल से, कहते मैंने 7 साल पहले इंजीनियरिंग करी थी और तब से मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। अरे मैंने कहा बेवकूफ आदमी तू कर क्या कर रहा है, क्यों जिंदगी को लालच पड़ा है। देख एक इंजीनियर इधर भी बैठा है जो गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन में काम कर चुका है एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, और मात्र 1.5 साल की नौकरी इसलिए छोड़ दी थी कि मन लग ही नहीं रहा था 30 साल पहले। इसलिए नहीं कि गुजरात अच्छी जगह नहीं है, मेरे ख्याल आप मैंने जितनी भी जगह देखी है, मेरे को एक तो तमिलनाडु बहुत पसंद आया, गुजरात बहुत पसंद, तो केवल इसलिए छोड़ मैं अपनी
मन की करना चाहता था, वहां होता तो क्या होता, इंजीनियर ही होता। अब पूरी दुनिया के इंजीनियरों को ठीक करता हूँ, पूरी दुनिया के डॉक्टरों को ठीक करता हूँ, एक से एक बड़े डॉक्टर्स मेरे पास आते हैं मदद लेने के लिए, एक से एक बड़े धर्म गुरु को मैंने मदद पहुंचाई है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, अलग अलग धर्मों के मतलब जो धर्म गुरु हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया, जो वहाँ के कोई प्रेसिडेंट कहता अपने आप को, कोई कहता मैं सेक्रेटरी हूँ वहाँ का, कोई तो बिशप है मतलब किसी बहुत बड़े चर्च का विदेश में बिशप है, 72-75 साल की आयु है और वो आज मुझे अपना गुरु मान के, मुझे अपना फादर मानकर मेरी हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके लाभ उठाते हैं। मालूम है किस लिए उन्होंने कॉन्टेक्ट किया? उन्होंने सिर्फ इसलिए कॉन्टेक्ट किया कि मेरे चर्च में भीड़ नहीं आती है, तो आप मेरे लिए कुछ ऐसे उपाय करो जिससे मेरे चर्च में पब्लिक की जो भीड़ है पब्लिक ज्यादा से ज्यादा आए। और कुछ उनको घरेलू स्तर पर प्रॉब्लम थी, उन घरेलू परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी। तो आप ये देखिए कि अगर मैं इंजीनियर होता तो ये सब कर पाता। आज मैंने कम से कम दसियों हजार लोगों को अलग अलग तरीके से हेल्प पहुंचाई, उनके जीवन को सुधारा, उनके जीवन में खुशियां लाई, उनको काम धंधों में मदद दी, उनको आमदनी में मदद दी, उनके गिरते स्तर को सुधारकर तरक्की की नित्य नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बहुतों को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, न जाने क्या क्या पास करने में मदद की, कंप्यूटर एग्जाम में सिलेक्ट होने में मदद की, सही गाइडलाइन दी, सरकारी नौकरी के लिए मदद दी, सरकारी नौकरी दिलवाने में हेल्प करी, तो या उनकी शादी कराई, बच्चों की समस्या आ रही थी उसको ठीक किया, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं थे उनको योग्य बनवाया, तो आप भी लाभ उठा सकते हैं। तो क्यों आप सरकारी नौकरी के ही पीछे पड़े हुए हैं? तो फिर भी अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं कि आप सरकारी नौकरी ही करना चाहते हैं, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली देख लें, किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श कर लें बैठ के वीडियो कॉल के माध्यम से जाकर, जिनको भी आप अच्छा समझते हैं, चाहे तो आप मेरे से भी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग देखिए है ही नहीं, तो आप भूस के ढेर में लट्ठ बजाने वाली बात है, आपको सरकारी नौकरी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, आँख उठा के फौरन प्राइवेट नौकरी की तरफ जाना चाहिए। वहाँ जी जान से मेहनत करिए, जितनी मेहनत आप पढ़ाई लिखाई में इस समय करेंगे ना सरकारी नौकरी पाने के लिए, उसकी आधी भी तो कर लेना। आपका मालिक, आपका बॉस कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा देगा, वहाँ जाके निठल्लापन करने के लिए सरकारी प्राइवेट नौकरी नहीं है। या फिर अपने लिए ही काम कर लीजिए, छोटे से बिजनेस से शुरू कर लीजिए और 500 लोगों को रोजगार देने का मन बनाइए कि मैं अपने पास 100-200 लोगों को तो कम से कम रोजगार दूंगा। स्टार्टअप तो कीजिए, गवर्नमेंट सब तरीके से आपकी हेल्प करने वाली है, आप भी तो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करिए। सरकारी दामाद बनने की कोशिश ही करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, और वो बन नहीं पाते क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। नौकरी 900 है, आप 2,00,000 लोग एग्जाम देंगे तो भैया स्तर तो बहुत हाई लेवल के लोगों तक पहुँचेगा, उसके बाद भी अप्रोच वगैरह 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 आप जानते ही। तो आप अपनी क्षमताओं को परखिए, अपनी जन्म कुंडली चेक कराइए, तभी आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या बिजनेस की ओर आगे बढ़िए, सही तरीके से आगे बढ़िए। हम हर तरीके से आपको मदद देंगे, चाहे आप सरकारी नौकरी प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, चाहे बिजनेस करने की बात कर रहे हैं, या प्राइवेट नौकरी में अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, हम आपको इतना मजबूत कर देंगे आप निरंतर तरक्की की नृत्य नई ऊंचाइयों तक चढ़ते चले जाएंगे। जरूरत है तो बस एक वीडियो कॉल बुक कराकर हमसे संपर्क करने की। अब हम बात करना चाहते हैं उन संतानों के बारे में जो नालायक हैं। नालायक संतान समझते हैं ना, जो अपने माता पिता का अपमान करती हैं, बेइज्जती करती हैं, चाहे उस संतान की उम्र 15 साल है या 55-60 साल है। तो सिंह राशि वालों, अगर आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि मुझे जैसा कि महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा आपकी नेचर की वजह से आपका जो संतान है आपसे थोड़ा खिन्न रहती है, उसका मन आपसे दुखी रहता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी संतान नालायक है, आपको दुख पहुंचा रही है, आपका अपमान कर रही है, चाहे संतान की उम्र 15 साल है या 55 साल, तो आप छोटा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय अवश्य करिएगा। कोई जादू टोना टोटका नहीं है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय खून के सभी भी रिश्तों को ठीक कर सकता है, जो खून के रिश्ते होते हैं। कजिन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्योर ब्लड रिलेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ भाई बहन, माँ बाप के साथ, पुत्र पुत्री के साथ रिश्तों में प्रॉब्लम होती है, या जीवन साथी को भी हम खून का रिश्ता ही मानते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है, तो उनको ठीक किया जा सकता है। तो आप उनको ठीक करके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी संतान को सुधार सकते हैं, जो बार बार अपमान कर रही है उस अपमान की पीड़ा से बच सकते हैं। और यहाँ पर मैं लगातार देख रहा हूँ कि जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं है, तो देखिए यहाँ पर मकान वाले घर में और
कर्म स्थल पर दोनों ही जगह कुछ शत्रु जो हैं आपके नुकसान पहुंचाने के लिए लालयत हो रहे हैं, लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पूरे साल की बात कर रहा हूं, उससे भी ज्यादा की बात करूंगा, तो पूरे साल तो ऐसा होना है सन 2021 के अंदर। तो ऐसे शत्रुओं से सावधान रहिए जो आपकी पीठ में छुपकर खंजर को घोंपते हैं। ऐसे शत्रुओं को कंट्रोल करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप लाभ उठा सकते हैं। और ये जो मैं पहले भी मैंने शुरुआत में शत्रुओं की बात कही थी, वो बिल्कुल अलग थे, ये लोग बिल्कुल अलग हैं। जो ये जो नुकसान पहुंचा रहे हैं आपके कार्यस्थल पर पहुंचाएंगे और आपके घर में यंत्र मंत्र तंत्र का सहारा लेकर भी नुकसान कर सकते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से, पीठ में खंजर घोंपने वाले लोगों से सावधान रहिए। अगर आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप हमारी हेल्प लेकर इनको कंट्रोल करने का प्रयास करिएगा। अब मैं बात करने जा रहा था मकान की। देखिए, जो सिंह राशि वाले युवक युवतियां हैं या व्यक्ति हैं और जिनके पास अपना खुद का मकान, दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो वो इनमें से जो कुछ भी खरीदना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि मकान मालिक हर बार आता है, ऊपर से आंखें दिखाता है, भैया मकान खाली कर दो या किराया बढ़ा दो। आता तो किराया लेने, धमकी देके चला जाता है इनडायरेक्ट। तो ऐसे सभी व्यक्ति बिना किसी झिझक के अपनी जुनम कुंडली के अनुसार वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके अपना खुद का मकान, दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन, उसके अकॉर्डिंगली उपाय करना है। यानी आपने सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना, अपने भाग्य को मजबूत करना है। मकान से संबंधित, या मकान खरीदना चाहते हैं तो मकान से संबंधित, दुकान खरीदना चाहते हैं या शोरूम खरीदना है या फैक्ट्री खरीदना है तो उससे संबंधित ग्रहों को मजबूत करें। उन पर पड़ने वाली बुरे ग्रहों की दृष्टि को भी मजबूत करिए, अपने भाग्य को मजबूत करिए। तो क्यों नहीं आप तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे जहां आपको खुद का मकान मिल जाएगा, दुकान, शोरूम, ऑफिस, गोडाउन इत्यादि आप प्राप्त कर सकते हैं। जादू नहीं है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, हमारी संतों ऋषि मुनियों की खोज है, जिन्होंने अपनी वर्षों की तपस्या के बल पर, जिसे आज के शब्दों में कहें तो रिसर्च के बल पर, हमारी मदद करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ अंकित किया है। तो उसका लाभ लेकर आप अपना खुद का मकान प्राप्त करने की दिशा में या ऑफिस, शोरूम, गोडाउन प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फोकस है, प्रेम संबंधों के बारे में, कैसे रहेंगे आपके 2021 में प्रेम संबंध, क्योंकि सबसे ज्यादा युवक युवतियां जो लालयत होते हैं अपने प्रेम संबंधों के बारे में, भविष्यवाणी सुनकर प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, यहां मैं बात करूं, सबसे ज्यादा फायदा आपको होने वाला है जनवरी के महीने में। फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपके प्रेम संबंध खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। मई के महीने में प्रेम संबंधों की वजह से कोई यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और अगर आप देखें तो जून के महीने में अगर देखें तो अगर आप प्रेम संबंधों को थोड़ा सही डायरेक्शन में ले जाएं तो आप उनको शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये समय रहेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन चार महीनों में अगर आप प्रयास करें तो आप अपने प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट करने के योग्य बन सकते हैं। प्रयास तो आप ही ने करना। और बात करते हैं अगस्त के महीने में, किसी नए व्यक्ति की भी आपके जीवन में एंट्री हो सकती है, नया रोमांस भी शुरू कर सकते हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो रोमांस दिसंबर में आते आते खराब होने की संभावना भी दर्शा। अब मैं बात करना चाहता हूँ उन सभी लोगों से, युवक युवतियों से, जो प्रेम संबंधों को लेकर बहुत परेशान। ऐसी सभी युवक युवती प्रेम संबंधों को लेकर आ रही परेशानी को दूर करने के लिए अपनी जन्म कुंडली के अनुसार वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय जो साल में एक से या दो बार करने होते हैं, उन उपायों को करके लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ढोंगी पाखंडी व्यक्ति के बकरे की बलि, मुर्गे की बलि, उल्लू की बलि, सियार सिंगी की बलि जैसे शब्दों के जाल में, या फिर पूजा पाठ के ऐसे जाल में जिसमें वो लाखों रुपए की आपसे डिमांड कर रहे हैं और बाद में जब पता चलता है ना तो वो सनातन धर्म से संबंधित व्यक्ति है और वो मगर सनातन धर्म की पूजा के नाम पर आपसे पैसे मांग रहा है, जिसे सनातन धर्म की ABCD भी नहीं पता, और ऐसे लोग 5-5, 6-6 लाख रुपए भी ठग रहे हैं लोगों से, ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इनकी सबसे ज्यादा ऐड आती है साईं बाबा की फोटो लगाकर, ये सबसे ज्यादा ऐड देते हैं और हमारे सनातन धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं सभी धर्मों का बहुत सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों को आदर की दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन पाखंडियों, दुष्टों से तो मेरा कुछ लेना देना नहीं है, उनको तो आदर की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, वो तो दंड के पात्र हैं। जो लोगों को मुर्गे की बलि, बकरे की बलि, उल्लू की बलि की 3 बकरों की बलि लगेगी, उसके 3 बकरों के पैसे दे दो, या उल्लू पकड़ के ले आओ, हमें तो बड़ी हैरानगी होती है। यहाँ दिल्ली की एक बहुत बड़ी रेपुटेड परिवार की एक यंग गर्ल जो खुद बहुत बड़ी डॉक्टर है, उससे एक ऐसे ही ढोंगी पाखंडी दाढ़ी वाले ने बोला
कि ऐसा करना, रात को 12 बजे घर से निकलना और जिस पेड़ पर उल्लू बैठते उस पर चुपचाप चढ़ जाना और पटाख सीना उल्लू पकड़ के ले आना, उसकी बलि देंगे, तुम्हें जो प्रेम में प्रॉब्लम आ रही है वो सब ठीक हो जाएगी। ऐसे ऐसे दुष्ट लोग मौजूद हैं, जैसे उल्लू बैठा रहेगा वो पकड़ने चढ़ेगी और वो बैठा रहेगा डाल पे, आओ मेरे को पकड़ लो डॉक्टर साहब, मैं बैठा हूँ आपके लिए और कर दो मेरा कत्ल। तो बहुत बहुत मूर्ख बनाने वाले बैठे हुए हैं, टीवी पर भी आते हैं ऐसे बहुत सारे लोग उल्लू बनाने की, या यूट्यूब पर तो भरमार है ऐसे लोगों की जिनका चेहरा ही सामने नहीं आता, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या उनकी वेबसाइट है, उनका पता ही नहीं होता वेबसाइट के ऊपर, एक मोबाइल नंबर होता है, दो नंबर होते हैं, पता ही नहीं होता कहाँ इंडिया में, हिंदू पाकिस्तान में, बांग्लादेश में से बात कर रहा है। ऐसे सभी दुष्टों से सावधान रहें। प्रेम प्रसंग को मजबूत करना आपका पर्सनल काम हो सकता है, मगर बेवकूफ बनना आपका पर्सनल काम नहीं है। ऐसे दुष्टों से सावधान रहिए। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इतनी शक्ति है कि आपके प्रेम संबंधों को मजबूत कर सकता है, लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति आपके प्रेम संबंधों में एंट्री मार रहा है उसको रोक सकता है, आपके प्रेम संबंधों को शादी की तरफ ले जा सकता है, और आपकी अगर घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय करके उनको भी मनाया जा सकता है, और वो भी छोटे छोटे उपाय हैं ऐसा नहीं, और वो ऐसे उपाय आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई पूजा की पोटली नहीं है, ये आपकी जन्म कुंडली देखकर छोटे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय हैं जो बहुत फायदा देते हैं, जो सनातन धर्म में अटूट आस्था के साथ इन उपाय को करता है तो उसे अवश्य ही धीमे धीमे करके लाभ की प्राप्ति होने लगती है। तो आप भी इन प्रकार के लाभ लेकर अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। अंत में अगर मैं बात करना चाहूँ तो बात करूँगा आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा कि आपके लिए बेस्ट क्या है करना, तो आप बेस्ट क्या करना चाहते हैं। तो उस सब के लिए अब बिना किसी झिझक के हमारी मोबाइल ऐप जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो सकती है, या जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं इस समय मोबाइल नंबर्स, उन नंबरों के माध्यम से, या फिर हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाकर हमसे संपर्क कर सकते, और घर बैठे पूरी दुनिया में आप कहीं भी क्यों ना रहते हो, मैं घर बैठे आपको उपाय भेज सकता हूँ, आप तक उपाय पहुँचा सकता हूँ खुद के तैयार किए हुए, और वो उपाय हमेशा स्पेशली तैयार किए जाते हैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, आपके साइज के अनुसार और आपकी परेशानियों के अनुसार। आपकी मदद करने का हमारे इस शनि पीठ मंदिर में भरसक प्रयास किया जाता है, जा सकता है। आप हमारी इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। एक बार पुनः आपसे विनम्र निवेदन कि चाहे आप गुरु दक्षिणा समझकर ही देना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करते रहना। जय शनिदेव, आपका सन 2021 मंगलमय हो।